कुछ कदम पल कैटल फार्म में जो कि अब लाइफ स्टॉक में कन्वर्ट हो गया है, और क्योंकि यहाँ पर बफेलोज भी आप क्लीननेस देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सफाई है इस कैटल फार्म की। दिन में 3 मरतबा सफाई होती है, जो कि जब इसका वेस्ट है इन नालियों में जाता है और नालियों के ज़रिए ये यहाँ पर जाता है, जो कि एक वेस्ट बना वेस्ट के लिए बनाया हुआ है। वहाँ से जब ट्यूबवेल चलता है तो पानी सारा ऑटोमेटिकली ये ज़मीनों में जा रहा है डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट, ये सारा वेस्ट जो है ज़मीनों में जा रहा है ऑर्गेनिक। ठीक है, ये हमने एज एक्सपेरिमेंट रखा था, ये जो छोटा जो प्योर साहिवाल, ये हमने प्योर एक्सपेरिमेंट सेमन जो है पंजाब से यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर इसमें करवाया, और उसके बाद हमें ये प्योर बेबी मिला है साहिवाल का। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो भैंसें रखी गई हैं वो तमाम तर भैंसें जो हैं वो दूध देती हैं। ठीक है, फिर इस तरफ लास्ट में जो भैंसें हैं ये प्रेगनेंट हैं, और इस तरफ जो भैंसें हैं वो दूध देने वाली भैंसें हैं, जिनका दूध जो है यहाँ से सुबह शाम शहर में फॉर सेलिंग पर्पज़ जाता है। दूसरी तरफ जो खुला हैबिटेट दिया हुआ है, जो कि कुर्बानी के जानवर हैं, ठीक है जी, और उसमें जो है हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो रेडी हैं, कुछ ऐसे हैं जो बुक्ड हो गए, और कुछ काफ़ी जो हैं जो अभी बुकिंग जिनकी रहती है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए, कुछ ऐसे हैं जो 2024 के लिए हैं। चलें हम आपको वो दिखाते हैं। जो चारा जो हम देते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक देते हैं, ठीक है, अपनी ज़मीनों का, तूड़ी और मकई, और अभी हमारे पास मकई चल रही है सर्दियों में, हमारे पास बरसिंग जो कि हम तूड़ी में मिक्स करके देते हैं प्योर ऑर्गेनिक, जिससे जो हमारे जानवर हैं वो न सिर्फ सेहतमंद रहते हैं बल्कि एक्टिव भी रहते हैं। आ जाए, ये बड़ा गेट जो है लगाने का मकसद ये है कि ताकि हमारी जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो डायरेक्ट अंदर आ जाए, और यहाँ का जो भी वेस्ट वगैरह है वो उसमें डाल के तो उनको भी जो है फिर हम ज़मीनों पर भेज दें, और ज़मीनों पर का यूजेज हो। स्टाफ यहाँ पर जो हमने रखा है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। स्टाफ अभी चारा देने का टाइम है तो सब कैटल को चारा दिया जा रहा है। अब ये जो कैटल हैं छोटे वाले, ये नेक्स्ट ईयर के हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास जो है सिबी नस्ल है, साहिवाल है, और चौलिस्तानी जो है हमारे पास इसमें नेक्स्ट है। तो जो हमारे पास दोस्त आते हैं उनको जो पसंद होते हैं तो फिर वो कुर्बानी के लिए वही जानवर देते हैं। मुख्तलिफ प्रिंटिंग हमने रखी है, वाइट, ग्रे, रेड। ये जो बड़े जानवर जो हैं ये इसी के लिए रेडी हैं, ठीक है जी। सिबी एक ये हैं और दो ये हैं, ये हमारे सिबी जो हैं कुर्बानी के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। वो वाइट सिबी जो हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। इसके अलावा हमारे पास साहिवाल जो है उसमें हमारे पास जो दूसरा बड़ा केटल आप देख रहे हैं उस तरफ, ये साहिवाल है जो इसका नाम स्पेशली फ़कीर रखा गया है। फ़कीर इसका किसी पर्पस के लिए नाम रखा गया था इसका, बहुत ही प्यारी चीज़ है, ठीक है जी। और ये जो भी केटल हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं कि अगर उनके पास आया जाए तो फिर वो लड़ें आपसे, ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो किसी इंसान से लड़े, क्योंकि इनको हमने हैबिटेट ऐसा दिया हुआ है कि ये अपने आप को बिल्कुल फ्री मोड यहाँ पर बिल्कुल फ्री फील करें। इस तरफ हमने शेड लगाया हुआ है ताकि दिन को जब गर्मी होती है तो वो इस शेड के अंदर रहें, और शाम को इनको चारा जो है यहाँ पर भी दिया जाता है और खुले माहौल में भी दिया जाता है, जहाँ पर ये अपना अपने आप को बिल्कुल वो देखें। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से वो जो है आप अपने खेल भी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और इस तरफ हमने पानी के लिए स्टॉक बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि इनकी मर्जी होगी, जिस वक्त उनका दिल करता है वो पानी पी सकते हैं। एक स्टॉक हमने सिर्फ लगाया पानी का, और दूसरा हमने यहाँ पर आपने देखा होगा दूसरी तरफ वो बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कच्चा सा हमने बनाया एक शेड का, ये बनाने का एक मकसद ये था कि ये शेड बनाने से पहले बारिशें अचानक से सर पर आ गई थी, और चूँकि ये एक दो दिन में नहीं बन सकता था और हमने ये एमरजेंसी शेड हमें बनाना पड़ा, ठीक है। और इनकी जो टूड़ी है वो हमने कुछ अंदर स्टॉक करके रखी है, कुछ हमने कैटल फार्म की बाउंड्री के उस तरफ, जो कि इसकी मेन बाउंड्री है, उस तरफ हमने स्टॉक करके रखा है।
कुछ ऐसे जानवर हैं जो इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो इनके साथ खाना वगैरह नहीं खा सकते, चारा वगैरह नहीं चर सकते, उनको हमने अलग से एक पोर्शन दिया हुआ है जहाँ पर वो अपनी हम उम्र जानवरों के साथ रह रहे हैं। जैसे क्योंकि ये वीक हैं, इनकी एक तो फीडिंग चल रही है अलहदा से, और दूसरी तरफ इनको चारा भी अलग दिया जाता है, इनको इनकी मेडिकेशन वगैरह चल रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेपरेट रखे गए। जब ये इस उम्र के हो जाएंगे कि इनसे कॉम्पीट करें, तो हम इनको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर जो नए जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। चलें अब हम आपको एक और चीज़ सिखाते हैं जो कि अभी हमने डेवलप की है। चलें आ जाए जी। नहा भी नहीं है, इनके नहाने के लिए एक पाउंड भी बनाया बाहर, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। लेकिन इनको नहलाया भी जा रहा है, अंदर सफाई भी हो रही है, उनको पानी भी पिलाया जा रहा है, प्लस में इनका वेस्ट है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा सा बनाया हुआ है जिसमें इनका वेस्ट जा रहा है, वहाँ से ट्यूबवेल के जरिए ये बिल्कुल ज़मीनों की तरफ जा रहा है। अब आपको पाउंड दिखाते हैं जिसमें भैंसें जो है वो दिन के टाइम जाके नहाती हैं, अपने आप को रिलैक्स करती हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ से वैसे जो है बिल्कुल जहाँ से मैं आ रहा था यहाँ से वैसे आती हैं और पॉइंट में जाके अपने आप को पॉइंट में जाके रिलैक्स करती हैं। एक और चीज़ जो है यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज देख रहे हैं आप, इसकी बाउंड्रीज पे हमने प्लान किया कि हम लेमन के ट्रीज लगा रहे हैं, चूँकि हमने इसको ज़रा फ्रेंडली करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरह करना है, तो इसलिए हम ट्रीज लगा रहे हैं। ट्रीज हमने सोचा था कौन से लगाएं, नीम हमने सोचा था, लेमन हमने सोचा था, तो लेमन ज़्यादा हमने प्रेफर किया इसलिए क्योंकि एक तो हमें फ्रूट भी देगा, दूसरा एक तो हमें शेड भी देगा, और दूसरा जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो अभी हम एक लेमन हम सैंपल तौर लेकर आए थे, क्योंकि हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनसे हम लेमन का प्लांट भी लगवाएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद चारों तरफ से इसके जो है वो लेमन लगेंगे, ठीक है। और इस पाउंड में कल हम फिश के जो है वो बीज जिसे हम कहते हैं गुल्फ पाम, ठीक है, वो हम डाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक हम ऐसे समझेंगे फिशरी डिपार्टमेंट भी हमारे पास हो जाएगा, तो इसलिए जो पल कैटल फार्म जो है उसको हमने पल लाइव स्टॉक का नाम दिया है, क्योंकि हमने इसमें पैसे भी रखी हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गोट भी हैं जो कि अभी आपको दिखाई नहीं है, लेकिन दिखाते हैं ज़रूर आपको। और इसके अलावा हमारे पास जो है कुर्बानी के जानवर भी हो गए और फिशरी डिपार्टमेंट भी हमारे पास हो गया, तो पल कैटल फार्म को मैं पल लाइव स्टॉक कन्वर्ट होने में मुबारकबाद देता हूँ। और उसके अलावा जो है अब एक और आपको चीज़ दिखाते हैं, तो ये रहा सरप्राइज जो कि पल कैटल फार्म में एड हुआ है स्विमिंग पूल। और यहाँ ये जो है स्पेशली हमारे जो कस्टमर्स हैं जो इतनी दूर से आते हैं, हैदराबाद, कराची, वीपुखात, यहाँ से आते हैं, तो फिर उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री बनाया गया कि जब वो यहाँ पर आए तो एक पिकनिक पॉइंट भी बन जाए उनके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा शायद वो ऊपर आ जाए, इसमें हमने दो पर्सन रखे हैं, एक छोटा सा पर्सन रखा है ताकि जो है बच्चे वगैरह जो है वो भी यहाँ पर नहा सकें, और अगर जो उनके उनके लिए भी है तकरीबन 4:30 तक हमने बनाया। और अभी उससे थोड़ा सा काम रहता है, अभी इस पर शेड भी लगाएंगे और प्रॉपर अंदर से प्लांटेशन भी करेंगे, इसकी जो वॉल्स हैं यहाँ पर उस पर भी हम प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो इसलिए हम जो भी काम अपना कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट अपनी कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको बकरे भी चाहेंगे, तो आ जाएँ, दो बकरे हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हैं कुछ ये बकरे हैं, कुछ और भी आ रहे हैं जिन जिनके पास हैं, ठीक है, और उनसे मंगवाएं। मशीन रखने का मकसद ये है कि पहले उनका प्रॉपर एक वेट किया जाए, फिर उनको एक हैशटैग नंबर देते हैं, उसके बाद उसको अपलोड करते हैं। इससे ये होता है कि कस्टमर्स को भी कन्फ्यूजन नहीं होती कि हमें कौन सा बकरा चाहिए, वो जस्ट हमें हैशटैग नंबर बताता है कि हमें मुझे हैशटैग नंबर 1 चाहिए, हैशटैग नंबर 2 चाहिए, तो वहाँ पर हम उसे बता देते हैं कि इसकी प्राइसिंग है, उसकी प्राइसिंग और वेट के हिसाब से ही हमारी प्राइसेस होती हैं। हमारी प्राइसेस वो बढ़कर भी नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि आपको बकरा महंगा मिल जाए पल कैटल फार्म की जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं।